તરુણ જેટલી પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે સીતાજીએ ત્યાં. और उस कॉम्पोजिशन स्कीम को अगले फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 1.5 करोड़ कर दिया जाएगा. दूसरा निर्णय कॉम्पोजिशन के बारे में ही था कि जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में जाते हैं उनको टैक्स तो अपना क्वार्टरली देना पड़ेगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन की दृष्टि से उनको रिटर्न अब साल में एक बार देना पड़ेगा. सो फॉर दोज हु यूटिलाइज द कॉम्पोजिशन स्कीम फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड इट विल बी क्वार्टरली टैक्स पेमेंट बट ओनली 1 एनुअल रिटर्न. सो दिस टेक्स अ लॉट ऑफ कंप्लायंस बर्डन फ्रॉम देम. द थर्ड डिसीजन also for composition is relating to the services sector. Under the service tax regime there was no composition in the case of service tax, but a large number of services are provided by people in the informal sector, and therefore for them to undertake the compliance burden if they want to come within the tax net is quite cumbersome. And therefore those who are providing services as also mixed supplies, goods and services, will now with a turnover up to rupees 50 lakhs be entitled to the benefit of a composition scheme. Because in services there are no comparable inputs as in the case of manufacturing or trade, the composition rate for services has been put at 6%. So upon a 6% payment, those who render services up to rupees 50 lakhs or render mixed supply services and goods, let us say an electrician coming to a house, a plumber, or any such services in whichever sector, it could be IT, it could be any form of services, would be entitled to a composition if the turnover is up to 50 lakhs upon payment of 6%. The 6% is lower than the average service tax which was being paid, or the average GST which was being paid by service providers up to a 50 lakh limit. The other important decision is it was in relation to the exemption limit for GST. Under the original GST structure, when we envisaged it 1.5 years ago in July 2017, the GST structure provided those with a turnover up to 20 lakhs with an exemption. जिनकी 20 लाख तक turnover थी उनको हमने exemption दी. और जहां तक नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स थी उनकी एग्जेम्पशन लिमिट 10 लाख तक थी, लेकिन उन नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में जम्मू कश्मीर, असम और अब धीरे धीरे कई अन्य स्टेट्स ने भी अपने कानून अमेंड कर लिए और अपनी लिमिट को वो 20 लाख पे ले आए. तो ये तय हुआ कि वही ट्विन स्ट्रक्चर चलेगा. अब दो प्रकार की एग्जेम्पशन लिमिट्स होंगी. पहली वाली का स्लैब 40 लाख होगा, यानी कि जो 20 लाख था उसको डबल कर दिया गया है.
तो जिसके 40 लाख तक टर्नओवर है, अगर वो जीएसटी चेन का बेनिफिट नहीं क्लेम करना चाहता तो वो एग्जेम्प्टेड रहेगा। और जो इन छोटे राज्यों के लिए जो 10 लाख की लिमिट थी उसको 20 लाख पे रखा गया है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन दे दी गई है, जो पहले छोटे राज्यों को थी कि वो अगर 20 लाख के स्थान पर अपनी लिमिट रेज करके 40 लाख पे लाना चाहे तो वो ऑप्ट आउट करने की उनको डिस्क्रिशन दी गई, दैट इज दे कैन मूव अप, जैसे पहले भी कुछ स्टेट्स मूव किए थे। कोई ऐसे राज्य, क्योंकि एक आदमी कोई ऐसी जो रखा था कि जिन अन्य राज्यों को 40 लाख पे दिया गया है कि उनका असेटी बेस काफी इरोड होता है, हैं पहली कैटेगरी में लेकिन छोटे हैं, तो अगर एक सप्ताह में वो इतला कर देंगे सेक्रेटेरिएट को तो उनको भी ऑप्ट डाउन करने की सुविधा दी जाएगी। इसमें पुडुचेरी ने विशेष रूप से ये ऑप्शन रखा था। तो 40 और 20 दो लिमिट्स रहेंगी, 40 सब राज्यों के लिए और 20 नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स के लिए, विद अ केवियट दैट यू कैन ऑप्ट अप और ऑप्ट डाउन डिपेंडिंग ऑन दी रेवेन्यू। और ये इसलिए वन टाइम एक्सेप्शन है क्योंकि ये पहले भी था, और क्योंकि इसका इंटरस्टेट सप्लाईज के ऊपर असर नहीं पड़ता उसके रेवेन्यू पे, तो दिस इज अ वन टाइम एक्सेप्शन बीइंग ग्रांटेड, दिस हैज बीन ऑल्सो स्पेसिफिकली रिकॉर्डेड। एक अन्य डिसीजन था जिसका आरंभ कुछ मीटिंग पहले केरला से शुरू हुआ था, जीओएम की रिपोर्ट कंसिडर की गई, इनमें कई अन्य विषयों पे भी जीओएम की रिपोर्ट थी, तो केरला इज नाउ इंटाइटल्ड ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स, दैट इज सेल्स विद इन केरला, द काउंसिल हैज ऑथराइज केरला टू इम्पोज अ मैक्सिमम सेस ऑफ 1% फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years। द आउटर लिमिट ऑफ द सेस विल बी 1%, द आउटर लिमिट ऑफ द पीरियड विल बी 2 years, एंड दिस इज एज अ पार्ट ऑफ द, इज ऑलरेडी अ प्रोविजन इन द जीएसटी लॉ दैट द काउंसिल कैन परमिट सम स्टेट्स टू मेक अ लेवी on such terms and conditions and for such period in order to cope up with natural disasters. So GOM mein recommendation thi, Kerala also accepted this decision. These issues, the decisions were taken. There were two other items, one relating to real estate and the other relating to uniformity of taxation on lottery or other issues arising out of lottery. इस पे अभी दोनों पे diverse opinions थे काउंसिल में, और जो हमारी past practice रही है कि हम सब consensus और unanimity से तय करते हैं, आज के सारे decisions consensus और unanimity से हैं, जिसमें कहीं divergence of opinion भी होता है तो end में we take a balanced view and that becomes a convergence because it's a federal body. तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए हमने रियल इस्टेट के लिए 7 मेंबर जीओएम रहेगा जो अपनी रिकमेंडेशन देगा, जो अगली मीटिंग में कंसीडर करेंगे, और इसी प्रकार का लॉटरी का भी एक जीओएम रहेगा जिसमें लॉटरी डेवलपिंग एंड सेलिंग स्टेट्स का हम रिप्रेजेंटेशन रखेंगे, क्योंकि स्टेट्स के इनमें कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट थे तो उसकी वजह से कन्वर्जेंस लाने के लिए इसको जीओएम में उन स्टेट्स के बीच में एक बार बात हो जाए और वो इसको केंद्र में लेकर आए। ये ब्रॉडली डिसीजंस आज काउंसिल में लिए। सर,
नहीं, मिक्स सप्लाई मैंने कहा सर्विसेज के नंबर। 50 लाख कॉम्पोजिशन लिमिट दोनों की मिला के। So last time there was a discussion on rates and probably cement was one of the items that had been spoken about. So even rate again had indicated the... You see, I'll tell you, we will consider any further reductions on individual items only when revenues move up. So how many taxpayers benefit from increasing threshold to 40 lakh and 20 lakh per statement release rate, and how much does that cost in revenues for The total number of the taxpayers, if we increase the limit from 20 to 40, what we have estimated is that around 20 lakh taxpayers will be eligible for availing this benefit. You see, please understand, eligibility and entitlement are one aspect. How many actually do it may not be the same, because some out of them may still want to be a part of the GST chain, some may require it for their banking purposes, some may actually opt in for the composition. Or क्योंकि हमारा experience 20 lakh का भी है कि even though up to 20 lakhs it was exempted, there are many below 20 lakhs who still got a registration for the purposes of benefiting from the GST chain. It's actually notional. It is a notional, because if you see that today the limit is 20 lakh, but still there are about 10,93,000 taxpayers who are below 10 lakh. 20 lakh. Below 20 lakh. And then they are paying us taxes. So therefore, you know, if we increase the limit to 40 lakh, it is You should understand it in this context. A very large part of the GST comes essentially from the formal sector and the large companies. Each one of these decisions is intended to help the SMEs. So you've given them various options. If they are in the services sector, they can get a 1% compounding. If they are in manufacturing or trading, services means 6% compounding. If they are in manufacturing or trading, up to 1.5 lakh crores, they can get a 1% compounding. They can make use of the exemption up to 40 lakhs. देखिए, इसमें हम सीमा नहीं देते, लेकिन हमारे जीओएम्स का अनुभव ये है कि एक कमेटी मीटिंग में जाता है तो होपफुली डिपेंडिंग ऑन व्हेन हेल्प the GOM works during that period. And the reason why GOM in this case is appointed, as in every case we do it, where the issue requires a deeper examination or a deeper understanding for the purposes of developing a consensus. So, when you talk about increasing the threshold of 40 lakh, it is across the board, right? I mean, this was the main